दोस्तों, काल रात को हम करीबन 8 बजे बारिश में इतना फंसा, पूरा एकदम गीला हो गया। तो ये उस टाइम में मतलब रात को 8 बजे सोचिए कुछ भी खुला नहीं है। हम आके इसी लॉज में, एवरेस्ट ट्रेकर्स लॉज रेस्टोरेंट, ये चपलुंग 3, उसमें आके नॉक किया। मैडम ने हमको बहुत हेल्प किया, इतना रात को सब कुछ बंद था, ऊपर से इतना सारा बारिश, रहने के लिए दिया, मतलब बहुत बढ़िया हॉस्पिटलिटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को 8 बजे, मतलब क्या बोलूँ, शाम को 5 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ, बंद नहीं हो रहा है। बस बारिश के साथ साथ हम भी चलता रहा, इतना वेदर खराब था। सो रात को 8 बजे सब बंद था, तो हम एक मतलब लॉज का दरवाज़ा खटखटाया। लॉज का जो लेडी, बहुत ही अच्छा इंसान है भाई, क्या बोलूँ, इतना मुसीबत में हमको रात को 8 बजे, जहाँ तक सब कुछ बंद था, उन्होंने रहने के लिए जगह दिया। पूरा भीगा हुआ था, तो उनके पास सब कुछ, जैसे वॉश करने का सब कुछ, ड्राई वॉश करने का, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ है, तो सब भीग गया हमारा। तो तुरंत उन्होंने सब कुछ निकाल के सब साफ़ सुथरा करके वॉश कर दिया। जो जो साफा हुआ मतलब तुरंत सूख गया, सो तो अच्छा ही है, सब हो गया। ये जगह हो गया चपलुंग, मतलब ये जगह से ऊपर का तरफ जाएंगे तो सीधा लुकला चला जाएंगे, ये रूट पकड़ेंगे तो सीधा सलेड़ी, मतलब सुरके जाएंगे, सुरके से फिर थामडंडा जाएंगे, थामडंडा से फिर सलेड़ी जाएंगे। लास्ट 3 डेज हम टूटे लिखल रात को ही ट्रैक कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रैक रात का जो है हमारा, जंगला से गुकियो, जो पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 ग्लेशियर्स का ऊपर क्रॉस करके आया था, वो भी अकेला, सोचिए। नेक्स्ट हो गया हमारा गोकियो टू टोले तक, उसमें भी हमको रात को ट्रैक करना पड़ा। और हो गया कल नामचे से ये जगह, रात को ट्रैक करना बहुत ही डेंजरस है, इसलिए शायद आप लोगों को 1-2 वीडियो मिलेगा रात का, क्योंकि हमारा गोप्रो का बैटरी भी डाउन हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने से फटाफट ड्रेन हो जाता है। तो आज का तो टारगेट है वहाँ से एकदम थामडंडा तक ट्रैक करेंगे, हमको दोपहर 2 बजने से पहले थामडंडा पूछना ही पड़ेगा। चोरीखर का क्रॉस कर रहे हैं हम अभी, ये देखिए चोरीखर का गुम्पा, बहुत ही सुंदर जगह। ये हो गया मटर का खेती, वो लोग आगे काम कर रहे हैं, इसलिए रोड शायद ब्लॉक करके रखा है। रास्ते में ये काम हो रहा है, इसलिए पहले उधर में नोटिस दिया था, सिर्फ टूरिस्ट के लिए। देखिए इतना दुर्गम रास्ता में ये काम करना, ये चोरी करके हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और नेक्स्ट अभी आएगा हमारा सुरके से जो ट्रेल है वो बहुत ही डेंजरस ट्रेल है, वो हमको जल्दी जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा। बीच में कुछ नहीं है, पूरा घना जंगल है, सोलो चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रॉब्लम हो वही खुद को फेस करके उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दोस्तों ये जगह जाने का टाइम में दिखाया था आप लोगों को, बहुत फोटो वोटो खींचा था, उधर जाएंगे तो सीधा लुकला, वो देखिए लिखा है वे टू लुकला, वे टू सुरके, ये साइड सुरके, और ये हो गया नामचे। तो हमको अभी ये रूट पकड़ना है, पकड़ के सुरके जाना है।
दो बजने से पहले जैसे तैसे थमडंडा हमको पूछना ही है। थमडंडा पूछेंगे तब जाके हमारा सब लाइन पे आएगा, नहीं तो हम डेंजरस फंस जाएंगे भाई। जाने के टाइम में यही सब जगह क्रॉस करके गया था। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितना सुंदर एक वाटरफॉल, सस्पेंशन ब्रिज वो देखिए, ऊपर में हेलीकॉप्टर, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। बहुत सारा सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस किया है, ये देखिए कैसे हिलता है। अभी तो चढ़ाई चढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों। इस रूट में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ऊपर से कल का बारिश की वजह से ट्रेल एकदम बर्बाद हो गया। ऊपर से आगे का ये देखिए ट्रेल का कंडीशन कैसा है, इतना सुंदर नज़ारा, एक टू घना याद आ रहा है। मैं जिस दिन भूलूंगा तेरे प्यार दिल से, उस दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। कैसा लगा दोस्तों एक बार बोलना कमेंट करके। सुर्खे तक तो पहुंच गया, अभी थमडंडा तक जाना है हमको। बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है हमारा ये ट्रिप। एक बार ये नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं, बहुत ही सुंदर जगह। जैसे तैसे आज हमको सलड़ी पूछना ही है, फिर सलड़ी से काका बास पकड़ना है। सुबह काली मॉर्निंग एक ही बास निकलता है काकरबिट्टा के लिए। हम जाने का टाइम पे ये रूम पे ठहरा था, यही रूम में, रूम नंबर 3 में शर्पा टी शॉप, इसमें ही ठहरा था। अभी बस आगे चलते हैं। ये हो गया सुर्खे गांव, बहुत ही सुंदर गांव। ये ट्रेल सबसे खतरनाक ट्रेल है, सुर्खे टू थमडंडा। जल्दी जल्दी पूरा करना पड़ेगा भाई हमको। ये देखिए ऐसा कुछ ट्रेल है, सुर्खे को थमडंडा, सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रेल इसको कहा जाता है। बाप रे बाप, ये खच्चर का ट्रेल आ रहा है, उससे पहले हमको भागना पड़ेगा। खच्चर का ट्रेल का आगे भागना तो नामुमकिन है। वो देखिए उन लोगों को जाने देता है भाई, नहीं तो हम उनके चक्कर में हम गिर जाएंगे। ये रूट जो है उन लोगों का वजह से ख़राब हो जाता है भाई, लेकिन क्या करें, उन लोगों को भी खाना पड़ेगा और खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। या आखिरी बच्चा, जा भाई जा, हमारे साथ जागो क्या, हम तुमसे भी बहुत स्लो है भाई। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं।
आते जाते खूबसूरत आवारा सरकों पे, कभी कभी ये सब रास्ता देख के लगता है क्या है भाई, पूरा ट्रिप तो कंप्लीट ही कर लिया और थोड़ा सा बचा है। बहुत दिन हो गया, शरीर और साथ नहीं दे रहा है। कब घर जाएंगे और घर जाके घर का खाना खाएंगे, दाल चावल पावर 24 आवर, ये खा खा के एकदम। ट्रेल तो बहुत ही ख़राब है भाई, थोड़ा सा पैर फिसला तो वो देखिए खाई कहाँ है, कहाँ गिरेंगे मालूम नहीं है, डेड बॉडी मिलेगा या नहीं। बहुत ही डेंजरस ट्रेल है, ऊपर से कल बहुत बारिश हुआ उस वजह से और भी ख़राब हो गया ट्रेल। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। बहुत ही डेंजरस ट्रेल है भाई, आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते, इतना जल्दी नहीं है, लेकिन सलड़ी आ जाओ उसको हमको पूछना ही है भाई। दोस्तों ये देखिए लुकला दिखाई दे रहा है, हो गया चावड़ी खर का, उसका आगे हो गया चपलुंग। हम चपलुंग से स्टार्ट किया सुबह सुबह, देखिए कितना कैसे कैसे करके आया, वो देखिए फ्लाइट लुकला से काठमांडू का तरफ जा रहा है। ये तो रामे छाप, कंडीशन भी बहुत ख़राब हो रहा है, फटाफट चलते हैं। पहाड़ों में कोई ठिक ठिकाना नहीं है भाई, कब क्या हो जाए। सब लोग सुन के आश्चर्य हो जाता है कि हम सिलेरी से अकेला एवरेस्ट बेस कैंप काला पत्थर छोला पास गोकियोरी ये सब करके अभी रिटर्न हो रहे हैं। हम तो एक ही बात ही बोलेंगे भाई, मन में अगर विश्वास है तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। हमको वहाँ से एक टू सर्टिफिकेट भी मिला है सोलुकुंभु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, प्रेसिडेंट ने वो सर्टिफिकेट हमको दिया है, जो हिलारी ब्रिज जो है ना बनाने में बहुत बड़ा उनका हाथ था। चारों तरफ क्या नज़ारा है, अभी भी नज़ारा ही नज़ारा, लेकिन क्लाउड ने थोड़ा ढक दिया। बहुत ही सुंदर वो जो जगह दिखाई दे रहा है, ये हो गया थमडंडा। वहाँ तक जाने में हमको पूरा ऐसा घूम घूम के जाना पड़ेगा, पूरा 2 घंटा लगता है। अभी वहाँ जब पहुँच जाएंगे तब वहाँ से हमको मिलेगा बोलेरो गाड़ी, फिर वो बोलेरो गाड़ी पकड़ के हमको जाना है सलड़ी। मोस्ट डेंजरस रोड इन नेपाल, देखिए कैसे जाना पड़ता है।
ये हो गया भूपसा। दोस्तों ये हो गया काकरभिट्टा बस अड्डा नेपाल का, मतलब पूरा नेपाल का कोई भी जगह में यहाँ से बस छोड़ता है, जैसे काठमांडू पोखरा जो भी जगह बोलिए। तो हम यही काकरभिट्टा से सिलाड़ी का बस पकड़ा था। आज का सफ़र हमारा आखिरी सफ़र है, लास्ट सफ़र है।